वेल असलैक्म टीय स्टूडेंट्स आई एम इंजीनियर अब्दुलबासद ओ ओके इन प्रीवियस ट्यूटोरियल हमने डिस्कस किया था स्ट्रेस रिवर्सल के बारे में सो हियर इन टूडेज ट्यूटो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल नोमरिकल हाउ टू डील इट अकॉर्डिंग टू देश रिवर्सल कंडीशन ओके जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जब कि आपको टेंशन लोड और यू कैन से कंप्रेसिव फोर्स दोनों एक मेंबर के ऊपर लग रहे हो तो फिर आपको स्ट्रेस रिवर्सल के थ्रू इस इस मेंबर को और इस सिचुएशन को सॉल्व करना है ठीक है तो स्ट्रेस uh, रिवर्सल के के लिए जो हमारे पास फोर कंडीशंस है उसमें आपने सबसे पहले इसको चेक कर देना है ठीक है सो लेट मी मूव टू दीज कंडीशन फर्स्ट आपको कंडीशन ज़रा थोड़ोली बता दूँ आपको ठीक है नंबर वन वी हैव दिस केस नंबर वन जिसमें स्ट्रेट अवे कहा गया कि वेल्डेड कनेक्शन हो उसमें टेंशन लोड आपका कम हो कंप्रेशन ज़्यादा हो तो आपने किस चीज़ के लिए कंसिडर करना है मेम्बर को कंप्रेशन के लिए आपने इसको डिज़ाइन करना है केस टू क्या कहता है कि आपका कंप्रेसिव फोर्स जो है वो टेन परसेंट ऑफ द टेंसाइल फोर्स से भी कम है तो और स्लेंडर ने ये है थ्री हंड्रेड से कम है तो आपको इसे टेंशन के लिए डिज़ाइन करना है कंप्रेशन के लिए नहीं ठीक है केस नंबर टू आपको कहता है कि ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगा तो तब आपने इसको टेंशन के लिए डिजाइन कर देना है और कंप्रेशन के लिए आपने एक चेक कर देना है कि ये कंप्रेशन में पास हो रहा है ठीक है सो इस मेरिकल में हम कंप्रेशन का चेक तो नहीं करेंगे लेकिन वहाँ तक हम स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर होगा कंप्रेशन डिज़ाइन का तो उसमें फिर मैं आपको ये चेक समझा दूंगा ठीक है इट इज़ बेटर टू कीप द दिलेंडर ने अप टू टू हंड्रेड इस केस में ये कंडीशन है केस नंबर फोर हमें क्या बताता है कि केस वन और केस टू दोनों फेल हो रहे हैं लेकिन स्टिल टेंशन लोड हमारे पास जो है वो कंप्रेशन से कम है आ, से ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम लोड करें डिज़ाइन करेंगे कंप्रेशन के लिए और चेक करेंगे हम टेंशन के लिए तो जो टेंशन का चेक है वो तो हम कर सकते हैं लेकिन डिज़ाइन फॉर कंप्रेशन अभी हमने नहीं पढ़ा वो अभी इस चैप्टर में हम नहीं कर पाएंगे ठीक है सो पहले आप देखते हैं कि देख लो यहाँ पे कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे सेटिसफाई हो रहा है डिज़ाइन द मेंबर ऑफ अ रूफ ट्रस्ट यूजिंग एल आर एफ डी प्रोसीजर रूफ ट्रस्ट लिखा है सो इट इज़ डेफिनेट के हमारे पास जो ट्रसेस होते हैं वहाँ पर ये कंडीशन ज़्यादा होती है की ठीक हैल लोड सिमल्टेनियसली ठीक है तो यहाँ पर आप देख लें जो मेबर क्या कैरी कर रहा है फोर फिफ्टी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंट फोर्टी किलोनी और इसका लेंथ कितना है मीटर। बिल्ट अप सेक्शन है और कंसिस्टिंग ऑफ टू चैनल्स क्या चीज बता रहा है, कि जो दो एक के back -back है तो ऊपर इसका जो फ्लेंज वेट बन जाता है वो कितना है 300 हंड्रेड mm मिलीमीटर है ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे डायग्राम में बता दूंगा चेक मेंबर अंडर स्टेसर वेल्टेड कनेक्शन तो तो कनेक्शन है यहाँ पे इट इज क्लियर है यार ओके अब देख ले आपके पास कंप्रेसिव फोर्स गिवन है फ्रॉम द स्टेटमेंट 450 है टेंसाइल अब ये तो इससे ज्यादा है लेकिन आप देख ले कि केस थ्री सेट्सफाई तो नहीं हो रहा ठीक है केस वन तो सेटिसफाई हो गया है लेकिन केस थ्री अब देख ले कि वो सेटिसफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है तो आप यहाँ पे ज़रा आ जाओ वन प्लस जीरो पॉइंट वन फाइव एल स्क् इंटू टी यू ओके दिस शुड बी ग्रेटर देन टी यू ये इक्वेशन होना चाहिए केस थ्री के लिए ठीक है तो पहले आप ये इक्वेशन की वैल्यू जरा फाइंड कर लो कि ये टी यू से ज़्यादा है या कम है इसमें हम पुट कर लेते हैं वन प्लस जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव एल की जगह में पुट कर लेता हूँ सिक्स स्क्वेयर ओके ऑलरेडी हमें सिक्स के वन है ठीक है स्टेटमेंट में आप जरा यहाँ पे देख लो एल इज सिक्स अब यहाँ पे आ जाओ पी यू दिस इज गिवन एज फोर फिफ्टी वो मैंने कर दी कैलकुलेशन आप कर लोगे एंड दिस इज सिक्स स्क्वेयर एज वेल एल एफ ए भी है तो ये 693 किलो न्यूटन आ जाता है और जो हमारे पास टेंशन लोड है वो कितना है 840 है ठीक है सो इफ़ इट इज़ 840 एंड जो हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू है वो 693 है सो so डेफिनेटली ये इससे ज़्यादा हो गई ट्यू ज़्यादा हो गया इस इक्वेशन से सो यू कैन से केस थ्री इज सेटिस्फाइड सो यू हैव टू डिजाइन दिस मेम्बर नाउ अकॉर्डिंग टू केस थ्री ओके okay, सो so क्या करेंगे हम डिज़ाइन फॉर टेंशन मेंबर करेंगे और चेक करेंगे हम किस चीज़ के लिए कंप्रेशन के लिए सो नाउ, फॉर वेल्डेड कनेक्शंस आप uh, इसको जस्ट आप um, के लिए आप जरा डिज़ाइन कर लो उसके बाद आप चेक कर लो दोनों के लिए ठीक है इट विल बी बेटर कि आप इसको डिज़ाइन कर लो फॉर यील्डिंग एंड फ्रैक्चर बॉथ ठीक है उसके बाद आप फिर दोनों का चेक के चेक्स कर लो लेकिन ऐसे भी आप कर सकते हो कि सिर्फ का आप डिजाइन कर लो और उसके बाद फिर आप चेक्स दोनों के कर लो का दोनों में पास हो रहे आपका मेंबर सो इट्स ओके अगर नहीं तो फिर आप वापस आ जाओ फ्रैक्चर के लिए भी डिजाइन कर लो ठीक है जी एरिया रिक्वायर्ड थी यू मल्टीप्लाइड बाई था सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर यूजिंग अगेन एंड अगेन इन दिज मेमेरिकल्स तो इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है एरिया रिक्वायर्ड फॉर द चैनल टी यू हमारे पास एट फोर्टी है एफ वाई हमारे पास ए थर्टी सिक्स टील का टू फिफ्टी है ठीक है एंड जीरो पॉइंट नाइन इज देट स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर जो कि फाइव की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी पुट के हुए है थाउजेंड इज देट कन्वर्जन फ्राम किलो न्यूटन इसके लिए हमने यूज़ किया है फॉर वन चैनल थ्री सेवन और भाई अब एरिया हमारे पास आ गया है टोटल इतना चूंकि हमारे पास दो चैनल्स बैक टू बैक कनेक्टेड है इन दिस कंडीशंस ऐसे यहाँ पे देखिए बैक टू बैक कनेक्टेड है और वहाँ पे स्टेटमेंट में ये भी बताया गया था कि इसका एक जो टोटल वेट बन जाता है फ्लेंज का वो थ्री हो जाता है दो बैक टू बैक हमने कनेक्ट किए हैं लेकिन टोटल इस तरह कनेक्ट हुआ है कि टोटल इसका जो वेट्थ है वो कितना बना है थ्री बना है ठीक है तो अब आपने इसको डिजाइन करना है आपने ये चैनल सेक्शन एक्चुअली बताना है कि कौन सा चैनल सेक्शन है ठीक है तो चूंकि दो चैनल सेक्शन हो गए टोटल हमारे पास एरिया ये है तो डिवाइड बाई टू कर लो एक चैनल सेक्शन की का एरिया आ गया है ठीक है अब बी मिनिमम पे आ जाओ बी मिनिमम 50 मिनिमम फॉर वेल्डेड कनेक्शन नो नीड टू रिवाइज द दैट 3.25 डी प्लस ट्वेंटी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये बस बी मिनिमम Uh, हमारे पास 50 मिलीमीटर मीटर कनेक्शन के लिए स्ट्रेट अवे आप पोर्ट कर लो ठीक है नाउ ऑप्शंस अवेलेबल आर इन ऑन पेज नंबर 66, ओके सो आई होप मेरे पास यहाँ पे इसका पेज uh, होगा ठीक है पेज नंबर 66, ठीक है मैं आपको जरा समझा दूँ एन इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ये सी वन फिफ्टी सी के वन है यहाँ पे भी नहीं है ये यहाँ पे आ जाओ C150 नहीं है यहाँ पे जस्ट अ मिनट C150 ये एंगल सेक्शंस के लिए है ये भी नहीं है ओके आई हैव दिस दिस टेबल इन माय हैंड ठीक है ये हार्ड फॉर्म में मेरे पास मौजूद है ऑन पेज नंबर 66 जो यहाँ पे शो हुआ है दिस इज़ नॉट पेज नंबर 66, दिस इज़ सिक्सटी Uh, you can say 65 okay so on 65 we don't have that values okay uh, for 150 so page number 66 150 multiplied by so it is uh, mentioned in the same way jesse ya okay 380 मल्टीप्लाइड बाई सेवेंटी सिक्स और दिस इज दैट एस आई डिजिग्नेशन एंड यहाँ पे एरिया केवन है डेप्थ केवन है बी एफ ग्यवन है एंड सॉ ऑन सारे कुछ हमारे पास ये चीज़ें ग्यवन है ठीक है तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे ऑन दिस नेक्स्ट पेज हमारे पास मौजूद है जिसकी यहाँ पे स्कैन कॉपी तो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अच्छा अब यहाँ पर आप आ जाओ नेक्स्ट पे यू विल सी दैट The member that we have selected so far uh, are these two members. Okay. One is C 150 multiplied by 15.6. These are the options available. And MC is 310 multiplied by 15.8. Okay. E miscellaneous channel sections may hai E channel sections. Mein hai, or in sections section schedule area. Hai, this is uh, actually greater than the required area, which is uh, 1860 okay so 150 jo area hai this is given over here this is uh, mm, 150 multiplied by how much 15.6 15.6 this is 1990 okay and the requirement is 1860 सेवन ओके सो 1990 हंड्रेड नाइन्टी इज़ द एरिया गिवन ओवर हेयर तो ये मेरे पास वो रिक्वायरमेंट है ठीक है इफ़ यू कैन सी इन द वीडियो ठीक है अब आई uh, होप mm, वो आपको यहाँ पे टेबल से समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ें आपको बता रहा हूँ जस्ट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये वीडियोज यहाँ पे uh, वीडियो में दिखा तो नहीं पाऊँगा लेकिन जो आपका तरीका है वो तो समझा सकता हूँ ओके ट्रायल सेक्शन इज टू सी अब ये हमारे पास दो चैनल सेक्शन है तो दोनों हमने सेलेक्ट कर दिए हैं एरिया इज़ नाइनटीन नाइन्टी एंड डी इज गिवन बी एफ आई आई वाई एंड आई एक्स एंड एक्स आर एक्स और ये सब कुछ हमारे पास गिवन है अब ये मैं आपको ज़रा टेबल में दिखा देता हूँ ठीक है कौन कौन सी वेल्यूज़ हमें चाहिए होंगी फॉर ए सी वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टीन पॉइंट सिक्स एक हमें एरिया चाहिए होगा ठीक है और लेट मी हाई लाइट इट फॉर यू दूसरा मुझे डेप चाहिए ठीक है बी एफ भी चाहिए टी एफ भी चाहिए ठीक है और uh, दूसरा मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए ठीक है और एक्स की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या चीज़ होता है और आई हमारे पास आई एक्स चाहिए आई आर एक्स चाहिए आई वाई चाहिए और साथ साथ में आर वाई चाहिए ठीक है सो ऑल दीज वैल्यूज़ आर गिवन हेयर इन दिस टेबल ओके वो आपने यहाँ पे, वो मैं स्कैन आपको शेयर कर लूँगा इन द इन द डक्रिप्शन ठीक है अब यहाँ पे आप आ जाए uh, मूविंग टू द ट्यूटोरियल यहाँ पर आप आ जाए सारे वैल्यूज एकॉर्डिंग टू दिज सेक्शन आर गिवन डी इज गिवन पी एफ इज गिवन आई मैंने आपको बता दिया है वो ग्यवन है एक्स की वैल्यू गिवन है ना वट इज एक्स एक्स इज़ फ्राम दिल बिल्कुल इसके जो एंड है एंड ऑफ द चैनल सेक्शन आर वेब का एक्सटर्नल पार्ट टू देंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे पास डिस्टेंस होता है दिस इज एक्स विच इज 12.7 और आर एक्स और आर वाई की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है बाकी न्यूमेरिकल्स में भी हम कर चुके फर्स्ट थिंग इज टू चेक इट फॉर बी मिनिमम सो डी एंड बी एफ बोथ आर ग्रेटर देन बी मिनिमम विच इज 50 तो so 50 से बी एफ भी ज्यादा है डी भी ज्यादा है बी एफ कितना है फिफ्टी है और डी हमारे पास कितना है वन है ठीक है अच्छा उसके बाद आप केपीटी पे आ जाओ सो so दो के आपने चेक करनी है येल्डिंग और फ्रैक्चर का क्या फॉमूला है उसका स्ट्रेंथ चेक करने का 0.9 पॉइंट नाइन एफ वाई एरिया सेलेक्टेड तो आपको मैंने बताया है दिस इज द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर दिस इज 250 फिफ्टी दिस इज एरिया सेलेक्टेड एक मेंबर का नाइनटीन नाइन्टी है दो का मल्टीप्लाई कर लो दो के साथ डिवाइड बाई था के साथ किलो न्यूटन आ जाएगा विच इज ग्रेटर दैन टू यू द अप्लाइड लोड अप्लाइड लोड हमारे पास कितना है अप्लाइड लोड इन टेंशन वो आप जरा यहाँ पे आ जाओ कितना है 840 तो 840 से जो हमारे पास यूल्डिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए सो ये एक तो पास हो गया 840 से वो ज़्यादा है दूसरा फ्रैक्चर कैपेसिटी एफ यू एन टू यू ए एन तो वो आप चेक कर ले अगेन ये ज़्यादा है ठीक है तो ये भी पास हो गया अब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आर एक्स आर वाई की जरूरत पड़ेगी ठीक है और ये हमारे पास एक टेबल है इन uh, दूज uh, आपका डिज़ाइन एड में ठीक है जिसमें आपको आर एक्स और आर वाई गिवन है सिंपल फार्मूला है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स एच जीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो बी ठीक है दिस इज़ फॉर आर वाई दिस इज़ फॉर आर एक्स दीज आर एक्चुअली फॉर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ तो यहाँ से आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ मिल जाएंगी ठीक है उसको आप डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो फिर आपने बा, बाद में परफेक्ट uh, वैल्यूज़ पे आ जाने जब आपके पास मेंबर हो तो चूंकि हमारे पास मेंबर है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है हम परफेक्ट वैल्यूज़ पे आ जाते हैं ठीक है सो आर एक्स इन द एक्स एक्स इज गिवन फॉर अ सिंगल चैनल सेक्शन दिस इज द मिनिमम वन मैक्सिमम हमारे पास ज़्यादा है दैट वैल्यू फॉर हाँ हेयर इट इज़ ये देखिए ये 36 है और ये 633 है सो तो ये ज्यादा वाला है तो हमने मिनिमम लेना है ठीक है सो मिनिमम की वैल्यू ये है 36 पावर फोर ओके अब इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है आई uh, वाई को और आर एक्स को अकॉर्डिंगली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आई वाई को हम फॉर बिल्ट अप बिल्टअअपर अब फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो एक सिंगल चैनल सेक्शन का है वो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस्ट टू पावर फॉर गिवन है ठीक है मल्टीप्लाइड बाई टू से दो चैनल सेक्शंस का आ जाएगा ठीक है फार्मूला हमारे पास क्या है आई वाई इज इक्वल टू आई वाई वाई प्लस ए के स्क्र ओके ये एक फार्मूला है जो हम ऑलरेडी हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ चुके होंगे ठीक है सो आपने उसी से फाइंड आउट करना है सो दिस इज टू मल्टीप्लाइड बाई दिस आई वाई बिकॉज वी हैव टू सेक्शंस टू इंटू एरिया बिकॉज यू हैव टू सेक्शन दिस इज एरिया टू एरिया किया है अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दिस इज एक्चुअली देंथ जहाँ पे हम इस सेंटर पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं ठीक है इस पॉइंट uh, से लेकर इस सेंटर तक हमने ट्रांसफर करना है तो इस ए का तो हम मुझे पता है ठीक है अब डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे मैं जरा यहाँ पे प्लाट करने की कोशिश करता हूँ इट विल बी रफ प्लॉटिंग लेकिन फिर भी मैं कर लूंगा ठीक है देखिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये कितना है ऑलरेडी हम बता चुके हैं मैं आपको बता चुका हूँ देट दिस इज इक्वल टू हाउ मच थ्री हंड्रेड अब इन दोनों को दरमियान पे डिवाइड कर लो ठीक है दरमियान पे डिवाइड करोगे तो हाफ बच जाएगा अब कितना है थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई टू इज वन फिफ्टी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वन फिफ्टी बचा अब यहाँ से बिल्कुल इस फेस से लेकर यहाँ तक एक्स हमारे पास कितना है ट्वेल्व पॉइंट सेवन सो दिस इज ट्वेल्व पॉइंट सेवन ये ट्वेल्व पॉइंट सेवन हो गया अब मैं इस सेंटर तक मूव करना चाहता हूँ ठीक है इस सेंटर तक ठीक है दिस इज़ दैट सेंटर इस पॉइंट तक ठीक है इस पॉइंट से ठीक है जो हमारे पास ये है एक्चुअली ठीक है अब ये कैसे करेंगे टोटल uh, हमारे पास हो गया 300 हंड्रेड बाय बाई टू वन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक ओके okay? ये हमारे पास हो गया 150 150 से आप माइनस कर लो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है माइनस कर लो फिफ्टी uh, ठीक है और प्लस कर लो ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है ट्वेल्व पॉइंट सेवन तो आपके पास वो वीडियो आ जाएगी जो बिल्कुल इस मिड से लेकर यहाँ तक है ठीक है आप इस पर ख़ुद ही ज़रा डिटेल में सोच लो ठीक है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसी तरह ये ठीक है अब यहाँ पर आप आ जाओ ज़रा ठीक है अब यहाँ पे आप जरा आ जाओ यू विल सी दैट हेयर इट इज़ 151 Uh, 150 minus 51 plus 12.7 a square is the requirement of the formula. तो आपके पास iy आ जाएगा. Ry आप इससे कैसे find out करोगे? This is uh, iy divided by a. ठीक है? So iy तो हमारे पास आ गया है built up section का. और ये two multiplied by this is the area. ठीक है सो टोटल एरिया आ गया आर मिनिमम हमारे पास ये हो गया ये दिस इज दैट वैल्यू नाउ अब ये हमारे पास एक वैल्यू है एक वैल्यू ये है तो हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे आर मिनिमम आर मिनिमम इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज हमारे पास अकॉर्डिंग टू एट दिस एक्सेस अगर आप देखोगे तो दोनों हमारे पास सेम ही आ रहे हैं ठीक है आर आर एक्स हम बस डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ सिर्फ आर वाई uh, हमारे पास डिस्टर्ब हो ठीक है जी सो एल डिवाइड बाई आर मिनिमम इज द स्टैंडर्डनेस देश चेक सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड एंड ये हमारे पास हो गया है आ, आर मिनिमम की वैल्यू तो दिस इज़ लेस देन टू हंड्रेड ओके हो गया अब लेसिंग का आप डिज़ाइन करेंगे और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का चेक करेंगे तो ये तो हमारे पास ज़रूरी है दोनों चीज़ें चूँकि अभी तक हमने पढ़ी नहीं है सो इसलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं जब हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो फिर हम ये चीज़ करेंगे ठीक है एंड दिस इज़ नॉट लाइक अप्लीकेबल वेर ठीक है ये वाला चेक डिज़ाइन कनेक्शन का भी अगेन वो अब्लिकेबल नहीं है क्योंकि हमारे पास uh, uh, बोर्ड्स की प्रॉपर uh, जो हमारे पास उसकी uh, लोकेशंस है वो नहीं केवल ओके सो दैट्स ऑल अबाउट दिस नोमेरिकल है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग और uh, इस पे जो मजीद जो नोमरिकल्स है एक इन दिस इन दिस चैप्टर वो आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो आई होप आपको uh, कुछ बेहतर ही यहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप ख़ुद सीख पाओगे ठीक है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंगल्क